आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुई और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल जो मैं अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ उसका होल, और उसका मैं उसके साथ मैं प्राइस भी बताऊँगी आपको और मेरे पास क्या क्या चीज़ है। आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी मेरे को कि आप अपने मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में उसकी वीडियो बनाइए और हमको बताइए कि उसका प्राइस क्या क्या है। तो मैं आपके सामने एक ये वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विक्रिल के सनफ्लावर किट, इसमें 10 कलर्स आते हैं, देख लीजिए आप। देखिए बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास वीडियो में यूज़ करें, और एक नहीं हमारे पास दो हैं इसके, हमारे पास दो सनफ्लावर किट्स हैं, यानी हमारे पास है 20 कलर्स, देख लीजिए आप। इसमें अलग अलग कलर्स हैं, देख लीजिए। तो और एक सेकंड, हमारे पास 26, पता क्यों इसको बंद कर देते हैं। लिलाक किट भी है, देख लीजिए आप, हमारे पास लिलाक किट भी है, देख लीजिए। हमारे पास 6 कलर्स हैं, वाइट, ग्रीन, डार्क ब्लू आई गेस, यस, ब्लैक, रेड एंड येलो, हमारे पास इतने कलर है इसमें। ऑरेंज नहीं दिया कलर, और ये कैमल की, कैमल के पोस्टर कलर का बड़ा सेट भी आता है लेकिन वो हमने नहीं लिया है क्योंकि हम ज्यादातर एक्रेलिक कलर यूज करते हैं। फिर हमने लिया ये, हमने ये लिया पोस्टर कलर, इसमें भी 6 कलर आते हैं, देख लीजिए। अभी इसमें 5 ही लिया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक एंड येलो, देख लीजिए आप। ओके, कलर पेंसिल हमारे पास ये कलर पेंसिल भी है कैमलिन के, देख लीजिए इसमें 12 कलर्स हैं, मतलब हमारे कलर्स बहुत सारे हैं, देख लीजिए 12 कलर्स हैं हमारे पास ये। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट आइटम, हमारा नेक्स्ट आइटम है, ये न्यू लिया है अभी अभी जस्ट, क्योंकि ये भी यूज आता है, ये चाइल्ड के ग्रिप कलर्स, मतलब इसकी ग्रिप जो होती है थोड़ी मुड़ी हुई होती है तो जो जैसे कर्व्स वगैरह होते हैं उसमें ज्यादा यूज आता है, इसलिए इसमें सिर्फ 5 के वाटर कलर्स, देख लीजिए इसमें अलग अलग शेड्स है, बहुत सारे शेड्स है इसमें, तो आपको बहुत पसंद आएंगे ये वाले कलर्स, तो आप देख लीजिए। आपको दिखा देता हूँ शेड, साथ एक ब्रश भी आता है फ्री, हर शेड्स है इसमें। तो सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कलर्स ऑफ फैब्रिक। सो ये है कैमल के मेटालिक कलर्स फैब्रिक आपके, और ये है एक्रेलिक कलर्स, 4 शेड्स लिए हैं इसमें, देख लीजिए। हमारे पास गोल्ड ही है, हमारे पास सिल्वर, ये मतलब कॉपर टाइप है, थोड़ा आयरन सा है, तो हाँ ये कलर्स है हमारे पास मेटालिक में। तो और हमारे पास में व्हाइटनर, ये व्हाइटनर किसी है जैसे अगर कोई छोटा सा डॉट भी लगाना होता है व्हाइट चीज का तो हम पेंट लगाते हैं, कभी कभार फैल भी जाता है इसलिए व्हाइटनर यूज करते हैं। ये कभी कभार हम यूज स्कूल में भी होते हैं रोप्स, और ये रोप्स किसी काम आती है, हमने बहुत सारी वीडियोज रोप्स में बनाई है, जैसे हमारे पास जूट की भी रोप है, जूट की देखो ये है जूट, जूट की रोप है, और हमारे पास ये जूट की रोप है, और ये जूट जैसी है लेकिन ये वो है सिंथेटिक, उसमें केमिकल्स है, फैब्रिक ही है, मतलब फैब्रिक का कहता नहीं है, लेकिन ये कलर्ड रोप्स है, और उसमें आप देख सकते हैं कैमरे में शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा गोल्ड गोल्ड सा भी दिख रहा है थोड़ा सा, मैं शेप दिया गोल्ड, बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल बॉल्स, जिंगल ऑन द वे। तो हमारे पास है हाइलाइटर्स, हाइलाइटर्स का भी अच्छा शेड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ पे चला के दिखा देता हूँ, न्योन होता है देखे, देखिए कैमरे में भी अच्छे से दिख रहा है, मतलब इतने लाइट होते हैं, और मेरे और अलग अलग शेड्स हैं, बहुत प्यारे होते हैं अगर ये अगर इनको दूसरे हैं। और वो है मेरे पास ब्रश पेंस, मेरी मम्मा के पास, मैं ब्रश पेंस भी निकाल के दिखाई देता हूँ, देखिए अच्छे कलर होते हैं ब्रश पेंस के, एक अलग अलग शेड है इसमें, और इसमें मतलब 12 है,
इसमें 12 है, लेकिन ये दो नए शेड्स हैं। देखिए ये दो नए शेड्स हैं, एक है सिल्वर मेटालिक और ये यस इसको यही बोलेंगे। ये पेपर है, इस पर अच्छी इससे ब्रश पेंस के साथ इस पर अच्छी सी पेंटिंग कर सकते हैं, तो वो है ये। चलिए हम हमारे नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं। देखिए यह है हमारे पेपर क्विलिंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं शुरू से दिखाता हूँ। ऐसे कुछ टूल्स होते हैं और ये मतलब ये जो स्ट्रिप्स होती है पेपर की, इसको ना इससे कुछ अच्छे डिजाइन बना सकते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन पता अगले दीवार में मम्मा बनाया ऐसे चीजें। हमारे पास है इसके टू बॉक्सेस, ठीक है। एंड क्या बोलेंगे, तो ये मतलब स्टार्स टाइप में, मतलब बहुत सुंदर सुंदर होते हैं ये चीजें। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये सकते हैं कि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें हैं। इसको भी मम्मा कभी इसको भी मम्मा नेक्स्ट DIY में यूज करेंगी। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और उस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और इस वाली को भी। तो गाइस जो लोग बड़े बड़े हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं और जो जिनका चैनल भी है, जैसे मानसी हैंडमेड, टाइम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जैसो यूज करूंगा तो ये न्यू बॉक्स है, अच्छा है। जैसो कुछ पेंट सा होता है व्हाइट कलर का, ऐसा देख लीजिए ऐसा होता है। अगर इसको हम इससे ब्रश से इस पे फैला देंगे तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और उसको अगर इसको लगाने के बाद हम उसपे पेंटिंग करेंगे उसको सुखाने के बाद, तो उसपे ना अलग सी एक शाइन आती है। जैसे पेंटिंग है ना थोड़ी शाइनी लगती है, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा। इसलिए हम जैसे वो यूज करते हैं। और इसके टू बॉक्सेस, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग। कुछ पेंट ब्रशेज है हमारे पास, ऐसे और है फायदा, उसमें भी एक पेंट ब्रश है जो हमारे पास। तो ये है वो ब्रश, तो हमारे पास अभी 5 ब्रशेज है हमारे पास, जिससे आपको स्टिक कर देता है इसलिए है वो। और हाँ ब्रशेज हमारे पास कुछ, तो ये है कुछ कटर्स। कटर्स तो आपको पता ही होगा, कार्डबोर्ड कटर है ये, ऐसे ऐसे कट हो जाते हैं। ला 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 ला, और ये थोड़ा शार्प है तो मैं इसको बंद ही कर दूंगा, ताकि किसी को हर्ट ना हो जाए। अल्ट्रा एडजस्ट, क्या बोल सकते हैं, हाँ मार्कर ये पानी में डालता हूँ। टेप से हमारे पास है, ये तो एक पेपर टेप है, इसको मैं मतलब फाड़ भी सकता हूँ। लेकिन कुछ जो टेप का वो होता है मटेरियल, उस टेप बनती है, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा मुझे ना। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आइटम। भाई नेक्स्ट थिंग है ये फेविक्रिक के एक्रेलिक कलर्स। आप सोच रहे हो यार वही वापस आ गया, लेकिन इसमें और शेड्स हैं यार ऑलमोस्ट में ना। तो आप देख सकते हैं इतने सारे कलर्स मेरे पास अच्छे हैं। मम्मा ने बहुत अलग अलग शेड्स देखी, ये स्किन कलर ब्राउन, देख सकते हैं बहुत सारे कलर। तो इसमें फैब्रिका के भी हैं, थोड़े एक्रेलिक भी हैं, मतलब मिक्स्ड है यार, आप बोल नहीं सकते कलर से मेरे पास। चलो नेक्स्ट ग्लू गन, हमने इसको यूज करा हुआ इसलिए फटा हुआ है। और इसकी एक और स्टिक यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हॉट मेल्ट ग्लू गन, हॉट मेल्ट ग्लू गन। ये वाओ, आप सोच रहे हो ये क्या है, लेकिन अगर मैं इसको खोलूं, ये शी सेल्स। मम्मा इनकी भी वीडियो बनाने वाली है, तो जल्दी से मैंने जो बोला नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। छोटे भी है बड़े भी है, सारे सी सेल्स है इसमें, देख लीजिए आप। इसमें और है लेकिन मैं निकाल नहीं सकता वरना सारा फैल जाएगा। तो ये है स्टिकर्स, यस जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजे रहे, वो है स्टिकर्स है। इसमें हमारे पास और बहुत ऑलमोस्ट कलेक्शन ऑफ स्टिकर्स, कलेक्शन है स्टिकर। टेप में तो दिखाने भूल गया था, एक साइड में रखते हैं। हमारे पास एक वो है टेप भी है, कलरफुल टेप, मतलब कलरफुल टेप भी है, रंगीला पेंट। ये हमारे पास रंगीला पेंट ज्यादा थोड़ा लाइट होता है इसमें काम आता है ये। और ये जैसे इसमें गोल्ड वाला भी है, देख लीजिए आप, गोल्ड भी है इसमें,
सिल्वर भी है, ग्लू आपको पता ही होगा ग्लू कितना काम आता है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है इधर, फॉर यूज इन हैंडीक्राफ्ट आर्ट्स होम्स ऑफिसेस, हम करते हैं हैंडीक्राफ्ट आर्ट मैग्नेट्स, वाओ वी हैव कलेक्शन ऑफ मैग्नेट्स। फिर कभी कभार जैसे कोई वीडियो बनाई नहीं है अगले, और जब हमारे और वीडियोस होंगी तब हम इसका यूज करेंगे, और जल्दी इसका कोई यूज आने वाला है तो आप चल देखिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था नोटिफिकेशन ऑन कर देना, कर दी। ग्लू जो तो मैंने आपको ये ग्लू गन दिखाई थी उसकी व्यू है ये, तो हाँ ग्लास कलर्स, आप सोच रहे हैं ग्लास कलर्स के हैं, दिखा दूँ यहाँ लिखा है वाटर बेस्ड सिक्स शेड्स, बोलते हैं इसको। माय गॉड इसका शेड तो अच्छा है यार, देख लीजिए इतने मस्त कलर है फैब्रिक के, चलिए ये है 85 रुपीज के, तो चलिए फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़िए। चलिए पढ़ लिया, तो यह है फेविक्रिल के मोल्डेड क्लेस। तो अगर आपने कुछ फेविक्रिल की वीडियोस देखी नहीं है, मतलब मोल्डेड क्ले की, तो जल्दी जाके देखिएगा, उसमें बहुत यूज आता है। तो अगर हमने देखिए आप देख रहे होंगे छोटा सा क्यों बचा है, छोटा सा बचा ये, लेकिन जब हम इसको लाए थे ये यहाँ लिटरली यहाँ तक भरा हुआ था, अब इतना कम हो गया क्योंकि मोल्डेड क्ले का बहुत यूज आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 300, ये 300 रुपीज का है, तो हाँ चलिए नेक्स्ट थिंग में बढ़ते हैं। 3D आउटलाइनर्स देख लीजिए, 3D आउटलाइनर्स आपको पता ही होगा ये क्या होते हैं, जो लोग कभी कभार यूज करा हुआ है वो है ये, जैसे एक बार यूज करना है यार कॉक, ओ नहीं ये यूज हुआ हुआ। 3D आउटलाइनर्स मतलब वो होते हैं जिनसे वो आउटलाइन कर सकते हैं, करता है यार आई एम नॉट किडिंग। तो ये है 3D आउटलाइनर्स, ओके। तो नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट थिंग पर्ल कलर्स, और वो क्या है ये पर्ल्स मेटालिक कलर्स भी आते हैं, ओनली मेटालिक भी आते हैं और पर्ल कलर्स भी आते हैं, हमने ले लिया स्पार्कलिंग कलर्स, तो आई डोंट नो इसमें देख लीजिए अलग अलग कलर्स है इसमें, सिल्वर भी है। सच में तो गाइस मुझे पता है ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, आई डोंट नो ये भी नहीं पर मुझे ये वाला ज्यादा। ट्रांसपेरेंसी एंड वाटर कलर इफेक्ट, मतलब इसमें अगर कलर करते हैं इसका, करते हैं जैसे मैंने करा और एक सेकेंड, जैसे मैंने इस पे कर दिया कलर, और अगर हम इस पे थोड़ा सा लिक्विड ब्रश से लेकर इस पे करेंगे तो एक इफेक्ट सा आएगा, स्पार्कल होगा, मतलब शाइन करेगा वो, वैसा लिक्विड है ये। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, कुछ ऐसे पेन है मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, देखिए ऐसे कुछ कलर्स है इसमें, देखिए अलग अलग कलर, फेयर हाई फेयर जेल पेन है, एक्चुअली जेल की पेन है, देखिए जेल पेन है, ये वाला दिखा देते हैं आपको रेड, देखिए देखिए कितना मस्त लिखा है, तो हाँ ये भी यूज में आते हैं। नेक्स्ट वन टू है नेक्स्ट, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारी लास्ट चीज है ये है ग्लिटर पेपर, ये है A4 साइज शीट का ग्लिटर पेपर, ये बहुत काम आता है आपको पता होगा, और हमारे पास है इसके स्टिकर्स भी, स्टार्स वाले हैं, जिंगल बेल्स के, तो स्नो पीस है ये हैट है, ये बेल है, और ये आइडम में जिससे हम सजाते हैं क्रिसमस ट्री को वो है, और सॉक्स है इसमें हमारी विशेष डालते हैं, और ला और है ये A4 साइज की कलर शीट, मतलब ये ग्लिटर नहीं है शीट है, तो अलग अलग है देखिए अलग अलग है ये, और ये 20 शीट्स, इसका MRP है 35 रुपीज, देख लीजिए 35 रुपीज लिखा है यहाँ, और इनको प्लेन है, सिंगल लाइन है, ज्योमेट्री लाइन है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो,
आई होप आप लोगों को कोई पसंद आई हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। गाइस कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट की थी, तो उसी ने बोला है और उसी ने वीडियो शूट की है, तो आपको कैसा लगा बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके। आपको मेरा मटेरियल कैसा लगा? और बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो मेरे पास अभी नहीं थे, उसकी वीडियो और उसका मैं प्राइस आपको बाद में बता दूंगी। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब है चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।